देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बीएमसी की सख्ती और सरकार के निर्देशों के बावजूद कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को 3700 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान 10 लोगों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में लगभग 1700 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन केसेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ग्राउंड पर मेरे सहयोगी मौजूद है, मुंबई से शिवांगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, दिल्ली से श्रद्धा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है, वहीं जितेश मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ लाइव है। लेकिन सबसे पहले शिवांगी, आप ही के पास आना चाहूंगी। जो 24 घंटे का आंकड़ा है वो ये बताता है कि सरकार तमाम सख्ती दिखा ले, बीएमसी नए नए गाइडलाइंस जारी कर ले, लेकिन उसके बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं। आखिर क्या वजह आपको समझ में आ रही है शिवांगी? देखिए पूर्णिमा, वजह साफ है, लापरवाही। लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। और आपको बताएं कि पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखें तो बेहद चिंताजनक है। 2700 से अधिक मामले जो माफ़ कीजिएगा 3500 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आए हैं। राज्य में 30,000 से ज़्यादा मामले हैं, लेकिन लगता नहीं मुंबईकरों को फ़र्क पड़ता है। इसलिए बार बार वार्निंग देने के बाद अब आखिरकार बीएमसी ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें से आज से एक नया कदम जो है वो ये होगा कि अगर मॉल्स में किसी को एंट्री चाहिए तो बिना आपको कोरोना टेस्ट के निगेटिव रिपोर्ट की एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही ये भी सुविधा की गई है कि जहाँ जहाँ पर भी मॉल्स के जो मेन गेट है वहाँ पर एंटीजन टेस्ट की एक टीम भी बैठाई जाए, ताकि अगर कोई रिपोर्ट के साथ नहीं आ पा रहा है तो तुरंत वहाँ पर अपना टेस्ट करा सके। जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन है, जितने भी बड़े बस स्टॉप्स है, वहाँ पर भी प्रतिदिन अब 1000 एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि जो मॉल के बाहर टेस्टिंग होगी उसके लिए लोगों को अपनी जेब से पैसे भरने हैं, जबकि जो रैंडम टेस्टिंग बाजार में या फिर रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टॉप पे किए जाएंगे उसके लिए बीएमसी पैसे देगी खुद अपनी जेब से। लेकिन सवाल यही, क्या क्या इससे भी रुकेगा? क्योंकि रोजाना तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दादर फुल मार्केट की, मरीन ड्राइव की, लोगों में कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भय है, कोई डर है। रोजाना क्लीनअप मार्शल के साथ लोग मारपीट करते नजर आ जाते हैं, मास्क नहीं पहनने पर जब फाइन मांगा जाता है। अपने डेली रूटीन पर कायम है शिवांगी, और वो तस्वीरें हम रोजाना देखते हैं तो मन में यही ख्याल आता है आखिर क्या वजह है, क्या लोगों के अंदर कोरोना का डर खत्म हो चुका है? दिल्ली से एक बड़ी खबर हम बता देते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार बढ़ते हुए आंकड़े रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। टीकाकरण में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दे दिए हैं, आज से रात 9 बजे तक कोरोना का टीका लगेगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कोरोना वैक्सीनेशन किया जाएगा। दिल्ली में एक दिन में 823 नए मामले आए, एक की मौत हुई और लगातार दूसरे दिन कोरोना केस 800 के पार पहुंचे हैं। इससे पहले 24 दिसंबर 2020 की मैं बात कर रही हूं, जब 1063 केस आए थे, और अब फिर से एक दिन में 800 केस रिकॉर्ड किए गए। श्रद्धा चतुर्वेदी मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुकी है। श्रद्धा, वैक्सीनेशन को लेकर क्या डिसीजन अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की तरफ से अभी लिया गया? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन को लेकर के ये फैसला इसलिए लिया गया है पूर्णिमा, क्योंकि बीते एक हफ्ते से जो मामले सामने आ रहे हैं वो रिकॉर्ड मामले हैं। 24 घंटे की बात की जाए तो 823 मामले आए हैं, कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 766 हो गई है, और ये बिल्कुल चौंकाने वाले आंकड़े हैं अगर एक साल पहले की बात की जाए, क्योंकि एक साल पहले लॉकडाउन लगा था तब इतने आंकड़े हमारे सामने नहीं थे। अगर ओवरऑल आंकड़ों की बात की जाए तो 536 आंकड़े थे तब लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इस वक्त दिल्ली में ही 823 आंकड़े हैं। और इस जो खराब लगातार स्थिति हो रही है उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब जो वैक्सीनेशन का जो समय जो सुबह 9 बजे शुरू होता था और शाम को 5 बजे तक होता था, अब उसको बढ़ा करके सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक कर दिया गया है। और उसमें भी जो सेंटर है, जो केंद्र है, उनकी संख्या भी बढ़ा दी है, चाहे हम इंदू राव अस्पताल की बात करें, राजीव गांधी सीनियर और इस बात के संकेत अरविंद केजरीवाल ने बात पहले ही दे दिए थे कि केंद्र है उनकी संख्या बढ़ाने की तरफ से फोकस किया जाएगा। श्रद्धा, मैं लौटूंगी आपके पास, एक राजस्थान से ब्रेकिंग है वो हम बता देते हैं, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एक दिन में 476 नए केस आए हैं, 2 की मौत के बाद अब सरकार सचेत हो चुकी है। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर राजस्थान में अब एंट्री मिल पाएगी। राजस्थान में सभी प्राइमरी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, अजमेर, कुशालगढ़, सागवाड़ा, और ये वो जगह जहां नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। शहरी इलाकों में रात 10 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद रहेंगी। जितेश जेठानंदानी जयपुर से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। जितेश, ये तो खबर है ही, लेकिन पिछले साल की आज की तारीख और इस साल आज की तारीख, हालात जस के तस।
जी पूर्णिमा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे। आप कह रही थी कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू था। टीवी 9 भारतवर्ष ने अपने तमाम दर्शकों को, हमारे एंकर्स घर पे बैठे। सबसे बड़ी बात जो आप कह रही थी, आपको मैं बता दूं, हमारे दर्शकों को जानकारी दे दूं, राजस्थान वो राज्य था जो सबसे पहले लॉकडाउन लगा था। 2 दिन पहले ही राजस्थान में लॉकडाउन लग गया था। कमोबेश वही स्थिति अब राजस्थान में हो रही है। डेली बेसिस पे 400 से ज़्यादा मामले सामने आए। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोर कमेटी की बैठक कर नई गाइडलाइन जारी की है। 8 शहरों के अंदर रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा गया है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। साथ ही सभी बड़े शहरों के अंदर जो बाजार है वो 10 बजे बाद बंद हो जाएंगे। वहीं अगर आप बाहर से आते हैं तो RT-PCR जो टेस्ट है वो आपको रिपोर्ट उसकी नेगेटिव दिखानी होगी। बड़ी बात यह है, अगर RT-PCR टेस्ट आप नहीं लेके आते, कोरोना की रिपोर्ट आप नहीं लेके आते, तो आपको 15 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। साथ ही शादी विवाह समारोह होंगे उसके अंदर 200 लोगों की ही अनुमति है। अगर किसी की डेथ हो जाती है या अंतिम संस्कार के अंदर 20 लोगों की अनुमति है। बिल्कुल, तो कमोबेश वही नौबत अब क्योंकि ये आ चुकी है, क्योंकि लोग संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं कोविड गाइडलाइंस को लेके, तो सरकार को अब सख्ती दिखानी पड़ रही है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और सख्त नियम कायदे कानून सरकार और प्रशासन को लाने पड़े ताकि बढ़ते हुए ग्राफ पर रोक लगाई जा सके। शुक्रिया जितेश आपका जानकारी देने के लिए। शिवांगी भी मेरे साथ थी और श्रद्धा मेरी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।